नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को प्रदर्शित कर चुके हैं खेलों में। उनसे ही जानते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में। पहले तो आपका नाम? मेरा नाम साहिल जामनी है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी। मैंने अंडर 17 और अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है और उसमें मेरी अचीवमेंट गोल्ड रही है। मैं दोनों बार इंडियन टीम का कैप्टन रहा हूँ। आप इस किसान आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं शुरुआत से किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि 26 नवंबर जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, हमने 2 दिसंबर को ही जाके राष्ट्रपति भवन में मैंने और अन्य मेरे खिलाड़ी साथियों ने जितनी भी अचीवमेंट हमारे पास अवार्ड थे सभी वापस कर दिए थे। सबसे पहले मैंने अवार्ड वापस किया था। अवार्ड वापस करने के बाद भी आप लोगों को कुछ नाम दिए गए थे, उपाधियाँ दी गई थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सरकार ने अवार्ड गैंग कुछ ऐसे ऐसे उन्होंने नाम दिए थे कि भाई ये तो एक गैंग है, ठीक है, इन्होंने नहीं खेला है। क्योंकि सरकार के कुछ भी कह सकती है, क्योंकि सरकार के पास ताकत होती है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है। 8 महीने खत्म हो चुके हैं इस आंदोलन को, 9वां महीना शुरू हो गया है, और आपको क्या लगता है शुरुआत से लेके अब तक क्या कुछ बदला है? देखिए, शुरुआत से लेके आज तक बदला तो कुछ नहीं है, लेकिन जो क्रांति है, मैं ये मानता हूँ कि मेरा देश आज गुलाम है। पहले मेरा देश गोरों का गुलाम था, आज मेरा देश चोरों का गुलाम है। तो जो क्रांति है वो बिल्कुल आराम 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 से आती है, और हम आंदोलन को लंबा लेके यदि सरकार जाना चाहते तो जा सकती है। यदि सरकार 2024 तक आंदोलन चलाना चाहे तो हम 2025 तक लड़ने के लिए तैयार है। तो आपको क्या लगता है कि इस संसद के माध्यम से, जो देश की सर्वोपरि संसद है, उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, आज की जो देश की संसद चल रही है उसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, जो आज जो किसानों की संसद चल रही है, हम यहाँ से अपने बिल पास करके भेज रहे हैं और लेटर के माध्यम से वहाँ के सभापति मोदी जी को दे रहे हैं कि जो आप बिल लेके आए हो ये किसान विरोधी बिल हैं, इसको हम स्वीकार नहीं कर रहे। एक छोटी सोचने की बात है, जब एक छोटी सी बात सोचने की होती है कि जो लोग किसान हैं, हमारे साथी जो किसान हैं, किसान नहीं चाहते कि भाई हमें कोई फ़ायदा हो, तो सरकार हमारे ऊपर दबाव से क्यों थोप रही है? हम नहीं चाहते हमें कोई फ़ायदा हो, हम नहीं चाहते हमें प्राइवेट सिस्टम में धकेला जाए। जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जो ज़मीनें मिलती आ रही है, हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे, लेकिन सरकार चाहते हैं कि वो अंबानी अंडानी के पास ली जाए। मोदी जी पहले मतलब जिसने अपने, वो कहते हैं बार बार नारी का हम सम्मान करेंगे, नारी का सम्मान करेंगे, मोदी जी ने खुद अपनी वाइफ को छोड़ रखा है, इससे बड़ी क्या उनके लिए बेइज्जती होगी कि उन्होंने नारी का सम्मान कहाँ से किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, लेकिन जो बीजेपी के सांसद है वही गैंगरेप के मामले में सबसे ऊपर है। आज आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, लड़कियों के रेप में बीजेपी के नेता सबसे ऊपर है। लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो तो शिव कुमार कक्कड़ जी को कहते हैं कि बलात्कारी हैं। देखिए, ऐसा है, शिव कुमार कक्कड़ के खिलाफ आप मेरे को एक भी सबूत पेश कर दीजिए, मैं खुद सूली पे चढ़ जाऊंगा। क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं, अमित शाह जी हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, आपको कुछ सालों पहले गुजरात की कोर्ट ने आपको तड़ीपार घोषित किया था, क्या आप एक, और वही आदमी आज देश का गृह मंत्री है, तो आप उस बात से सोच सकते हैं जिसको तड़ीपार घोषित कर दिया गया हो और उसके बाद उसी देश का वो गृह मंत्री बनाओ तो देश को कैसे चलाएगा? इन्होंने तो देश को बेचने तक की पूरी उपलब्धियाँ अपने नाम कर ली हैं। आज तक जो लाल किला हमारा, हमारे देश की शांति, ताजमहल हमारे देश की शांति, जो राष्ट्रीय धरोहर हैं वो हमारे देशों की शांति, वो इन्होंने बेच दी है, करोड़ों रुपए में इनको बेच दिया है। एक छोटी सी बात सोचने की है, यदि ये चाहे तो रातों रात कानून रद्द कर सकते हैं, क्योंकि रातों रात इन्होंने बनाए थे। क्योंकि सरकार चाहे तो एक मिनट के अंदर कानून रद्द कर सकते, लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार इसलिए नहीं चाहती, आपको पूरा एक किस्सा सुनाता हूँ, मेरे को भी एक वकील साहब ने बताया था, बैठ के बड़ा डिस्कस हुआ उसके बाद पे, कि जब सरकार बनने, बीजेपी पार्टी सरकार सत्ता में आना चाहती थी, तो इन्होंने 2 मुनाइंदे रखे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा कौन लगाएगा? पैसा लगाया अंडानी अंबानी ने, और उसमें ये वादे किए गए थे कि सरकार यदि हमारे आती है तो राष्ट्रपति एयरपोर्ट, हमारे राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जितने भी हमारे जो सरकारी संस्थाएं हैं वो आपको सौंप दी जाएगी, उससे आप अपना पैसा वसूल कर लेना। इसके कारण आज महंगाई इतने सर पे चली गई है। कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार में सिलेंडर कुछ 500-600 के रेट पे मिलता था, उसके बाद इन्होंने एक ड्रामा पेश किया कि सिलेंडर 750 रुपये का, 250 रुपये सब्सिडी, ऐसे करते करते आज वो सिलेंडर 1000 रुपये का मिलता है और सब्सिडी वो खत्म कर दी है। हरियाणा के अंदर क्या आज का जो सिस्टम चल रहा है, जो
हरियाणा के अंदर सरसों का तेल मिलता था कोटे के अंदर से, डिपो के अंदर से, तो वो सरसों का तेल 2 महीनों से बंद कर दिया गया क्योंकि सरकार के पास सरसों का तेल है नहीं और MSP के दर पे सरकार हमसे जो सरसों वो खरीद नहीं रही। एक छोटी सी बात है, आप राजस्थान के आंकड़े उठा के देखिए, मंडियों के आंकड़े उठा के देखिए, बार बार सरकार कहते हैं कि हम आपको MSP दे रहे हैं, आप कहाँ से MSP दे रहे हो? मैं यही बात सरकार से पूछना चाहता, आप कहाँ से MSP दे रहे हो? जो चने का रेट था वो 5000 प्लस था, 5500 के आसपास था, लेकिन राजस्थान में 4000 चना बिक रहा था। आप दो राज्यों को थोड़ा थोड़ा करके MSP दे देते हो भगाने के लिए, हरियाणा पंजाब का एक मोहर बनाने के लिए दे देते हो, लेकिन बिहार के अंदर आप चले जाइए 800 रुपये धान बिकती है, आप मध्य प्रदेश के अंदर चले जाइए 1200 रुपये 1300 रुपये अनाज बिकता है, तो वो किसान कहाँ जाएंगे? पूरे देश का किसान इस कानूनों के खिलाफ खड़ा है और सरकार बार बार ये पूछते भाई इन कानूनों में काला क्या है, हम बताएंगे भाई इन कानूनों में काला क्या। सबसे बड़ा काला तो ये है कि जो बड़े घराने हैं उनको आपने हमारी ज़मीनों को सौंप दिया। इनका जो एक एक्ट है ये कुछ सालों पहले पंजाब में लेके आए थे और पंजाब से यही क्रांति, जो किसानी क्रांति है वो पंजाब से शुरू हुई है, तो मैं दिल से किसान पंजाब के किसानों को सलाम करता हूँ कि उन्होंने इस बात को पकड़ा और इस सलामी को आगे, क्रांति को आगे लेकर आए, क्योंकि पंजाब के अंदर कुछ साल पहले एक आलू कोऑपरेट का सिस्टम लेके आई थी सरकार, जिसमें आलुओं को मतलब ये बना दिया था भाई आलू खरीदेगी प्राइवेट कंपनियाँ, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम उन्होंने बना दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दो साल तक जब तक मंडियों में आलू का रेट अच्छा रहता था, जब तक मंडियों में आलू का रेट अच्छा रहता था, जब तक MSP पे आलू खरीदा जाता था, लेकिन जब मार्केट में आलू की कीमत घटती जाती थी तो उनका आलू खरीदा नहीं जाता था, फिर आलू में 5 डाल की किस्में बना दी थी, ये छोटा आलू, ये गड़ा वाला, ये काला आलू। लेकिन सरकार तो अभी भी यही कह रही है कि कानूनों से किसानों का फायदा होगा। पोस्टर लगाए हुए हैं दिल्ली में, उन्होंने जहां लिखा है कि लखनऊ के गन्ना किसानों को इस बार अच्छी कीमत मिली है, वो बड़े खुश हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए कहीं पूरे देश का किसान, कहीं का भी किसान खुश नहीं है। ये किसान किसको बनाते हैं, किसान नेता किसको बनाते हैं? जो BJP के लीडर हैं उन्हीं से ही लेटर ले लेते हैं, भाई आज हरियाणा के किसानों ने हमें समर्थन दे दिया, आज लखनऊ के किसानों ने हमें समर्थन दे दिया, वो BJP के लोग ही हैं और BJP को ही समर्थन देने जाते हैं, क्योंकि किसान एक भी नहीं है, क्योंकि किसान को एक बात का पता है, जो आप और सब पूरा देश जो सुबह उठ के रोटी खाता नहीं, वो इस किसान की देन है। लेकिन ये सोच लेना चाहिए सरकार को, हम कड़े शब्दों से सरकार को चेताना चाहते हैं, चाहे तो नरेंद्र मोदी मान जाए, नहीं तो पूरे देश से नरेंद्र मोदी का चिट्ठा साफ कर देंगे। लेकिन सरकार तो अपनी बातों पे उतनी ही अभी भी अडिग लगती है, बहुत मजबूत है, उनके पास देख लीजिए, उनके पास सरकारी एजेंसियाँ हैं, केंद्रीय एजेंसियाँ हैं, आपके पास फिलहाल क्या है, यहाँ किसानों के पास क्या कुछ है सरकार से लड़ने के लिए? देखिए किसानों के पास एकता है और एकता इतनी मजबूत होती है, जो हमारी झाड़ू होती है उसकी सीखों को आप बखेर देना वो कोई काम नहीं करेगी, लेकिन पूरी झाड़ू को एक साथ हम करेंगे तो देश को साफ करेगी, इसलिए हमारे पास एकता है, हम मोदी को साफ करेंगे देश से। नहीं, एकता तो BJP भी दिखाती है ना, अगर मनमुटाव होता है, कुछ होता है, फिर जाके वो मना ही लेते हैं अपने नेताओं को। देखिए एक्चुअल ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी के पास जो पैसा है वो MLA MP खरीदने के लिए पैसा है, देश से मतलब हर राज्य में से दूसरों की सरकार तोड़ के अपनी सरकार बनाने का पैसा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास वो पैसा नहीं है कि वो गरीब किसानों को देश के, गरीब लोगों को देश के, खिलाड़ियों को देश के। आज ओलंपिक टोक्यो के अंदर चल रहा है, आप अपना लिस्ट उठा के, आंकड़े उठा के देख लीजिए, 120 खिलाड़ी भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनमें से 115 खिलाड़ी किसानों के बेटे हैं। हमें मवालिक खालिस्तानी बताया जाता है, लेकिन जो खिलाड़ी वर्ग गया है उस वो भी देश का तिरंगा झंडा ऊपर कर रहा है। लेकिन नेशनल मीडिया दिखाती है कि मोदी जी ने ओलंपिक जिता दिया, नेशनल मीडिया चलाती है अपने चैनल पे कि मोदी जी ने ओलंपिक जिता दिया देश को, ना तो ओलंपिक मोदी जी ने जिताया है, किसानों के बेटे ओलंपिक जिता के लेके आ रहे हैं, ना तो किसानों ने ओलंपिक जिताया है, किसानों ने ओलंपिक जिताया, नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक नहीं जिताया। आप मेरे को लिस्ट दे दीजिए, एक भी जो प्राइवेट घराना है उसका बेटा अडानी अंबानी का ओलंपिक खेलता, किसानों का बेटा ओलंपिक खेला है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसानों के बेटे जाते हैं।